जूले लद्दाख, जूले एवरी वन. जूले तो मुझे एक वर्ड पता है, पर आई वुड लव टू नो अगर और भी कई तरीके हैं ग्रीट करने के, लोगों से मिलने के. सो हु वुड लाइक टू टेल मी कि कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर जूले. जूले के अलावा और कुछ कहते हैं? खमजांगले. सो अगेन जूले फिर से, और आप सबको बिग 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 वॉर्म वेलकम. यू कम हियर इन दिस गैदरिंग एंड टुडे वी टॉक अबाउट समथिंग दैट वी आर ब्रिंगिंग टू यू. सो कहते हैं कि यू नो वर्ल्ड कम्स टू लद्दाख. Everybody who knows about India definitely knows about Ladakh. People come from all across the globe, visit Ladakh. But today we are doing something which is going to be taking Ladakh to the world. And that is the reason we are all here together, to know what it is. So let me start by actually maybe just understanding what is it that you know. Aaj kya hone wala hai? इधर माइक है क्या हमारे पास? वी हैव. ठीक है, तो क्या आपको पता है कि आज क्या होने वाला है, किस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? मैंने थोड़ा सा एक हिंट दिया है, पर उसके बियॉन्ड आपको मालूम है कि लेट्स अप क्या है, क्या बात करने वाले? किसी को मालूम है? कोई हैंड रेज करके मुझे बताना चाहेगा? लास्ट लास्ट टेबल. जी, मेरा नाम काशी राव है, मैं लोकल फिल्म मेकर हूं, और बहुत खुशी हो रही है कि एक आज एक ऐप लॉन्च होने वाला है लेट्स अप, और ये लिखा हुआ है कि लद्दाखी, कुछ इसके साथ शब्द जोड़ा हुआ है, तो उससे एक प्रसन्नता होती है कि कुछ है लद्दाखी में इस ऐप का कुछ एक वर्जन हो, क्या होगा कुछ ना कुछ. और इसमें काफ़ी कुछ मैंने इसको देखा, अभी मैंने जब इसको डाउनलोड किया तो सबसे पहले तो मैंने स्कोर देखा, आज जो मैच चल रहा है उसका स्कोर देखा, तो इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है. अच्छा, मैच का स्कोर क्या है ये तो बता दो. मैं थोड़ी देर पहले देखा, अभी अपडेट करूंगा मैं थोड़ी देर के बाद. ठीक है, थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? हमारे तुरतुक से बच्चे आए हुए, उनमें से कोई बताना चाहेगा? अच्छा, आपका अपना पहले आप नाम बताओ. मिल्खा, सैफ अली खान. अरे क्या नाम है. आप कहाँ से आए हो? तुरतुक से आए हो ये तो मुझे मालूम है. अच्छा, अपने बारे में बताओ पहले थोड़ा सा, क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ. और फिल्म से तो बनाते हो? और फिल्म भी बनाते. और मैं ड्राइंग के साथ करता हूँ, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह करते हैं. वाओ. सो ये हमारे पास तुरतुक से बच्चे आए हुए हैं जो मूवीज़ बनाते हैं, जो फिल्म मेकिंग करते हैं, जो जिनके बच्चों की तरह, जिन हर बच्चे का एक शौक होता है ड्राइंग में, कल्चर में, वो सब ये करते हैं. अब मैं ये जानना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं कि आपको अगर कुछ लद्दाखी जानना होता है, न्यूज़ जाननी होती है, या अगर आपको कोई मूवी के बारे में जानना होता है, या लोकली क्या चल रहा है, क्या खाना है, क्या चल रहा है, आप कहाँ से देखते हैं, कहाँ से जानते हैं? कोई ऐसी ऐप है, कुछ ऐसा है जहाँ से आपको पता चलता है कि लद्दाख में न्यूज़ चैनल्स के बजाय उसके अलावा कुछ ऐसा है एंटरटेनमेंट का, या कोई भी ऐसी एक जगह है जहाँ से आप समझते हैं कि क्या चल रहा है? ऐसा कुछ है किसी के फ़ोन में? नो. इंटरेस्टिंग. सो अगर ऐसा कुछ हो जिससे आपको पता चले कि लद्दाख में क्या चल रहा है, जिससे वर्ल्ड को पता चले, दुनिया जहान को पता चले कि लद्दाख में चल क्या रहा है, लद्दाख में कल्चर क्या है, लद्दाख में लोग खाना क्या खाते हैं, क्या चल रहा है, क्या क्या मूवीज़ देखते हैं, यहाँ पे जो मूवीज़ बनती हैं, हमारे पास काफ़ी जाने माने लद्दाखी फिल्म मेकर्स आए हैं जिनकी मूवीज़ ग्लोबली गई हैं, लेकिन क्या पता हमने ही ना देखी हूँ. सो आप सब जो यहाँ पे हैं, सब ने अपनी अपनी जगह पे रहते हुए लद्दाख के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं ये तो ज़रूर चाहूँगी सब अपने लिए एक बार तालियां ज़रूर बजाएं. सो लेट मी नाउ टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस द की टीम. सो जो हमारे साथ स्टेज पे यहाँ पे तीनों बैठे हैं, ये तीनों हस्तियाँ हमारे लेट्स अप टीम की कोर टीम है. राहुल नार्वेकर जी को फाउंडर हैं,
हर्ष पोकारिया बिजनेस हेड है एंड रूमी इज ऑल्सो द को फाउंडर एंड द की मेम्बर ऑफ लेट्स अप. सो इन्हीं का इनिशिएटिव है रूमी. इनफैक्ट आज हम कुछ स्कूल्स में गए, वहाँ के बच्चों के लिए काफ़ी हमने स्पेशली गर्ल्स स्कूल्स में एक मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस लाने के लिए वी डिड अ कैंपेन. वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट, एक कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके भारत में जाके अलग अलग जगहों पे जाके, और लद्दाख को भी अपना ही भारत का ही एक अंग है, इधर भी जितना अपनी तरफ से हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हर बच्चा और हर कॉन्ट्रीब्यूशन, हर फिल्म मेकर, हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर अपनी तरफ से लद्दाख को बाहर, लद्दाख की आवाज़ को बाहर लेकर जाए. सो ये एक कोशिश है लेट्स अप की. एंड अब मैं चाहूँगी कि लेट्स एक बार जानते हैं राहुल से. राहुल, सो व्हाट इज़ आर इनिशिएटिव अबाउट? अभी हम लोग हैं मराठी, हिंदी, तमिल, बांग्ला, इंग्लिश, सून टुगेदर टू गुजराती एंड भोजपुरी एंड लद्दाखी. तो भूमि हमारी जो कोफाउंडर है, ये एकदम पागल लड़की है जो पिछले 20 साल से अमेरिका में रह रही है, बट है कुछ लड़की और मित्सुबिशी की स्ट्रेटजी हेड है. तो शी इज गॉट द वर्स्ट ऑफ ऑल थ्री, गुजराती, अमेरिकन कल्चर एंड द जापानीज कल्चर. बट इनका अपना एक एनजीओ है कर्मा कनेक्ट करके, जिसमें ये पिछले 3 साल से आई थिंक अक्रॉस इंडिया हर फ्रॉम तुरतुक टू एवरीवेयर इन्होंने काफी काम किया है स्कूल्स में. तो जब हमने इनिशिएटिव शुरू किया तो शी सेड यू कैन नॉट मिस लद्दाख. लद्दाख बाद में नहीं करते, लद्दाख पहले करते हैं. तो मेरी और हर्ष की तो पहली ट्रिप है, और हर्ष तो लैंड हुआ कल तो इसकी बैंड बच गई थी ऑक्सीजन के चक्कर में, तो एक सिलेंडर ऑक्सीजन लगा के रहा है. तो मुझे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे तो जम रहा है. बट आई थिंक ध्रुमी कैन शेड सम लाइट बिकॉज़ शी इज डन अ लॉट ऑफ ऑसम वर्क हियर. जुले लद्दाख, नमस्कार. नमस्कार. सो लद्दाख के साथ ना मेरा प्रेम प्रकरण 2012 में चालू हुआ था. मेरा लव अफेयर चालू हो गया था लद्दाख के साथ जब मैंने पहली बार लद्दाख देखा था. तो 2012 में तो आप जानते होंगे इतने टूरिस्ट भी नहीं आते थे तब तो, और हमने यहाँ पे ट्रैकिंग एक्सपेडिशन किया था. उसके बाद 13 में किया, फिर 15 में किया. 15 में तो हमने ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन जो है उनके साथ यहाँ पे 16 विलेजेस डाले, मोनेस्ट्रीज विजिट की. तो तब से ना लद्दाख यहाँ पे बस गया है मेरे, और हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है लद्दाख. तो कहीं भी हम जाते हैं, कहीं भी हमारे अमेरिका में भी हम जब भारत की बात करते हैं तो लद्दाख सीधा मुंह पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर और यहाँ की जो संस्कृति है ये बहुत मुझे इम्प्रेस कर गई थी. तो हमारा जो ये हमारा लेट्स अप एक ऐप है जो हमारे एक हमने 6 भाषाओं में, भारत की 6 भाषाएं में अभी ऑपरेशनल है ये ऐप. देन हमने सोचा कि अभी कौन सी ऐसी भाषा है जिसको हम यू नो एक आवाज देना चाहते हैं, और दिल से निकली आवाज के लिए ये हो सकती है बोधी लैंग्वेज, लद्दाखी लैंग्वेज. क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे लद्दाख को हम भारत से मिलाए और भारत को हम लद्दाख से मिलाए. ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग इतने 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 प्यारे हो कि आप लोगों को हमारे साथ जोड़ने, भारत के साथ जोड़ने के लिए हम सब तत्पर हैं. सो ये जो लेट्स अप ऐप है ये आपकी आवाज बनना चाहता है, ये आपकी पहचान बनना चाहता है, ताकि रेस्ट ऑफ द भारत को पता चले कि यहाँ पे कितनी टैलेंट बसी हुई है. यहाँ छोटी छोटी जो लद्दाख की कहानियां है भारत जानना चाहता है. अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ आके ऑक्सीजन लेके जाने, हम लेट्स अप के थ्रू भी जान सकते हैं. मैं तो आती रहूंगी, बट बाकी के जो लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं, वो लेट्स अप के थ्रू लद्दाखी लोग, लद्दाखी कल्चर, लद्दाखी स्टोरीज, लद्दाखी टैलेंट को जाने, पहचाने, सराहे. जिससे मुझे प्यार हो गया है, मैं चाहती हूँ कि भारत को भी उस लद्दाख से प्यार हो. सो थैंक यू वेरी मच आप सब आए, आपको देख के बहुत आनंद हो रहा है, और मुझे ये एकदम विश्वास हो रहा है कि लेट्स अप आपकी आवाज बन के रहेगा, और ये आप ही का ऐप है, आप ही इसको सक्सेसफुल बनाओगे, और आपकी आवाज ये पूरे भारत तक लेके जाएगा, और पूरे भारत की आवाज आप तक लेके जाएगा. इस तरह से हम एकजुट होके एक भारत श्रेष्ठ भारत बना सकते हैं. थैंक यू. एंड बिफोर मैं हर्ष से थोड़ा सा और जाने की लेट्स अप के बारे में, एक छोटा सा एक ऑडियो विजुअल है, वो एक बार जल्दी से देखते हैं और थोड़ा सा और जानते हैं कि कैसा दिखेगा, क्या होगा, क्या है लेट्स अप. सो एक फटाफट से एक वीडियो देखते हैं.
यही शायद से लेट्स अप ऐप के थ्रू थोड़ा सा और अच्छे से दुनिया भी देखेगी, भारत, बाकी का भारत भी देखेगा। अब एक बार हर्ष से भी जानते हैं, जो बिजनेस हेड है लेट्स अप के, कि क्या किया है अभी तक, क्या जर्नी रही है और आगे क्या रहेगा लद्दाख में आके। हर्ष, आपसे सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच जूलिया लद्दाख, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जय हिंद। सो लेट्सअप की जर्नी हमने शुरू की थी 2019 से, हमारा ऐप लॉन्च हुआ था 2019 अगस्त में, जिससे हमने स्टार्ट किया था हिंदी, इंग्लिश, मराठी के साथ। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सर से मिलते गए, ध्रुव मैम से मिलते गए, हमने नई नई लैंग्वेजेस ऐड करते गए। सो जैसे मैम और सर ने बताया, करेंटली लेट्सअप इज इन 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, भोजपुरी एंड बंगाली। द नेक्स्ट इन पाइपलाइन, जो नेक्स्ट लैंग्वेजेस हम ऐड करने वाले हैं, लद्दाख एंड गुजराती। सो ओवरऑल लुक एंड फील या फ्लेवर ऑफ लेट्सअप का अगर मैं बताना चाहूँ, सो इन द एंड आपने बहुत सारे एप्लीकेशन देखोगे जो न्यूज दे रही है, लोकल खबरें दे रही है, बट इन द एंड जो इंफोटेनमेंट है, जो एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स की न्यूज है, जैसे कि सर ने बताया कि लाइव स्कोर था, तो अपार्ट फ्रॉम न्यूज हम लोगों को क्या दे सकते हैं जिसे हम इंफोटेनमेंट कहते हैं, उस पर हमारा फोकस है। सोने मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि न्यूज के अलावा एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हो, तो सर ने बताया कुछ नहीं। तो मेन लुक एंड फील या फ्लेवर या जो बैकबोन है ऑफ कंटेंट ऑफ लेट्सअप इज गोइंग टू बी इंफोटेनमेंट। जैसे कि बहुत सारे कैटेगरीज में एस्ट्रोलॉजी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, रेसिपी, ऐसे अन्य कैटेगरीज में लेट्सअप का कॉन्टेंट आएगा। इसमें एक और खासियत ये भी है कि आप ये कंटेंट बहुत सारे फॉर्मेट्स में पढ़ सकते हो। आप ऑडियो में सुन सकते हो, न्यूज बुलेटिन, दिन भर की सारी टॉप न्यूज की खबरें एक मिनट के ऑडियो बुलेटिन के तौर पे, या आप एक वीडियो के तौर पे देख सकते हो, या क्रिएटिव या टेक्स्ट में। सो एक कंटेंट कंजम्पशन को हमने काफी सिंप्लीफाई कर दिया, लोग जिस तरह से उन्हें पढ़ना चाहे, सुनना चाहे, उस तरीके से हम कंटेंट देना चाहते। ये दो दिन जब से हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें एक चीज मालूम पड़ी कि लद्दाख का कंटेंट, द हेरिटेज, द ट्रेडिशन ऐसा है जो कि वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए। जैसे मैंने सर ने बताया कि ब्रिंगिंग वर्ल्ड इज कमिंग टू लद्दाख, बट नाउ इट्स आवर जॉब टू टेक लद्दाख टू द वर्ल्ड। सो यही हमारी एक छोटी सी प्रयास है कि हम लद्दाख का रिच हेरिटेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन लोगों तक ले जाए। ऐसी खूब सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जो मैं आज भी इंस्पायर करती है, जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है ताकि हम लद्दाख का मेन हेरिटेज कंटेंट हम लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू हर्ष। सो ये तो एक हमारी कोशिश है, ये कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये मैं राहुल से पूछना चाहूंगी। राहुल, क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं ये चीज? बस ऐसा है ना, आज की डेट में कंटेंट पूरी तरह चेंज हो गया है। ये जो आपका फोन है, ये पूरी दुनिया को आपके पास लेके आता है और आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करा सकता है। आई डोंट नो आप लोगों ने कितने लोगों ने वो मीम देखा है कि टॉइलेट हो रही है सब जगह, उससे पहले मीम आया था रसोड़े में कौन था। तो आज ही हो सकता है अगर आप एक लद्दाख के किसी गाँव में बैठे किसी बच्चे ने छोटा सा वीडियो बना दिया और उसमें अगर दम है कॉन्टेंट में, तो पूरी दुनिया उसको 24 घंटे में ट्वीट, रीट्वीट, उसके मीम्स बनेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है? तो आज इस मोबाइल फोन ने हमको ये पावर दी है कि आप कुछ भी कंटेंट क्रिएट करो, पूरी दुनिया से आप बात कर सकते हो। पर उसके लिए क्या चाहिए, आपके और उसके बीच में प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म हम लेके आए। पर इसमें सिर्फ कॉन्टेंट नहीं होगा, न्यूज तो हर्ष ने बता दिया आपको होगा, एंटरटेनमेंट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। आपके यहाँ पे जितने लोकल बिजनेसमैन है, अगर आपके वजह से एप्रिकॉट ऑयल यहाँ पे बहुत फेमस है, अब आई एम श्योर आप बीच में बहुत सारे लोग आके आपसे लेके कस्टमर्स तक पहुंच गए, उसमें शायद आपको वाजिब दाम मिलता नहीं उसका। बट आज अगर आप उसको हमारे प्लेटफॉर्म पे डाल के डायरेक्टली बायर आपको मिलता है, कनाडा में हो, न्यूयॉर्क में हो, अहमदाबाद में हो, बॉम्बे में हो, तो ये भी हम आपको लाके दे सकते हैं। तो द आइडिया इज बीच के जितने लेयर्स है इनको कट करके लद्दाख में बैठे किसी भी कोने में आप बैठे हो, आपको डायरेक्टली वर्ल्ड से कनेक्ट करा दे और वर्ल्ड के किसी भी लेवल पे जो आदमी बैठा है उसको आपसे कनेक्ट कर सकते। जैसे हमारे सिसोनिया है, शी डजंट वांट टू स्टे इन होटल्स, उसको एक अच्छी होम स्टे में रहना है, बट अगर मैं गूगल पे जाके देखूं तो मुझे बहुत सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि अच्छा होम स्टे कहाँ पे है। और अगर आपने एक छोटा सा गेस्ट हाउस खुला हुआ है या होम स्टे खुला हुआ है, गूगल या फेसबुक आपके लिए बहुत महंगा है, बट दैट्स व्हाई लेट्सअप कम्स इन, कि हम आपको वो कनेक्शन देते हैं कि जो टूरिस्ट पहली बार शायद आना चाहता है लगता, उसको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले कि कहाँ पे अच्छा खाना है, कहाँ पे अच्छी दुकान है, कहाँ पे अच्छा स्टे है, कहाँ पे अच्छी टैक्सी हायर कर सकता हूँ।
दिस इज अ हाइपर लोकल ट्रांजैक्शनल वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म, अपनी भाषा की का अपना नाम। थैंक यू राहुल। आई थिंक बिफोर यू नो आई जस्ट वॉन्ट मेक अ कॉमेंट हियर, जो अभी शायद से राहुल ने बोला कि हम, मैं इधर आई, मैं मुझे पता, मैं जानती हूँ इधर नामग्याल जी को, जिन्होंने कम से कम नहीं तो 7.5 लाख पौधे और प्लांट्स लगाए हैं पूरे लद्दाख में, ग्रेटर हिमालयन रीजन में। उन्होंने मुझे बताया स्टेंजिन दोर्जे जी के बारे में, हु इज़ अ अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। पीछे हमारे पास काफ़ी कल्चरल फोक म्यूजिशियंस बैठे हैं, वहाँ पे हमारे पास फिल्म मेकर्स बैठे हैं, यहाँ पे हमारे पास तुरतुक से बच्चे आए हैं जो फिल्म्स बनाते हैं। लेकिन क्या हमें पता चलता अगर हम इधर नहीं आते? ऐसे ही पूरे भारतवर्ष को और पूरी दुनिया को लद्दाख की इस रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में मालूम नहीं है। जो बात कर रहे हैं हर्ष, जो बात कर रहे हैं राहुल जी, और जो बात कर रहे हैं रूमी, कि हम लद्दाख को दुनिया तक लेके जाना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष तक लेके जाना चाहते हैं, आप लोगों की कहानियाँ आपकी ही भाषा में उन तक पहुँचाना चाहते हैं, ये एक कोशिश है। एंड कब कर रहे हैं? मैं यही सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने ये बोला था। सो रूमी, माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि आप अमेरिका में रुके हो, यू हैव स्टेड इन अमेरिका, यू हैव स्टेड इन द यू नो इन कैलिफोर्निया, इन द फैंसीएस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर द वर्ल्ड हैज़ अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन ऑफ इंडिया। सो हाउ डू यू थिंक लेट्सअप हेल्प्स क्रिएट व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शन अबाउट इंडिया? ऐसा है कि वर्ल्ड को इंडिया का कोई परसेप्शन ही नहीं है, जो सही इंडिया है वो वर्ल्ड को पता ही नहीं है। वर्ल्ड को यही पता रहता है कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास वाला जो इंडिया है, वहां पे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वहां के लोग कौन है, वहां के संगीतकार कौन है, उनका सबको पता है। पर मैं जितना भी ट्रैवल किया है, और मैंने काफी ट्रैवल किया है इंडिया के रिमोटेस्ट रीजन्स में, जितना भी ट्रैवल किया है, सही वाली टैलेंट तो इंडिया के गांव-गांव में है, इंडिया के माउंटेन्स में है, इंडिया की वैलीज में है। ये जो तुरतुक से हमारे छोटे बच्चे जो आए हैं, उनकी वीडियो मैंने जो देखी है, ऐसी इतनी फैंटास्टिक वीडियो मैंने वहां पे इवन फिल्म स्कूल में नहीं देखी है। अब ये बच्चों का जो टैलेंट है वो हम बाहर उभारेंगे नहीं, तो मेरा तो कर्तव्य बनता है ना, एक ग्लोबल सिटीजन होने के नाते मेरे देश के जो लोग हैं उनका जो टैलेंट है, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, इनको हम बाहर प्रदर्शित ना करें तो एक तरह से तो हमने अपना काम किया नहीं है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सोनिया ऐसा है कि भारत का जितना टैलेंट है, जितना कहानियां हैं, जितनी स्टोरीज हैं, उसका 1% भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अभी उन लोगों ने कंज्यूम नहीं किया है। और ये कंटेंट हम नहीं बनाएंगे तो ये लोग हमेशा डार्क में रहेंगे कि भारत में कितनी रिचनेस है डिवर्सिटी में। तो मैंने जैसे बताया था कि मुझे प्यार हो गया था 2012 में, उसके बाद जैसे आप होम स्टे में रहते हो, मैं होम स्टे में ही रहती हूँ और मैं होम स्टे में ही पसंद करती हूँ रहना, इसीलिए क्योंकि जो होम स्टे में प्यार मिलता है, वार्मथ मिलता है, और जो कल्चर की अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। तो मेरे साथ काफी गोरे भी आते हैं यू नो यहाँ पे ट्रैक करने वगैरह, और वो भी प्रेफर करते हैं एक बार होम स्टे तुमने रह लिया तो फिर होटल में नहीं रह पाओगे। तो यही एक चीज है, जो मिट्टी की खुशबू रहती है ना, ये मिट्टी की खुशबू कंटेंट के थ्रू, हम लेट्सअप के थ्रू, आज की दुनिया में बैरियर्स तो बंद हो चुके हैं, कोई भी लेट्सअप ऐप वहां भी डाउनलोड कर सकता है, और उनको भी पता चलेगा कि यहाँ लद्दाख आने से पहले कौन से होमस्टे अच्छा है, लद्दाख की कौन से बच्चे यू नो क्या कर रहे हैं, कौन सा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सारी जानकारी लेट्सअप के थ्रू हम चाहते हैं कि एक विंडो बन जाए लेट्सअप लद्दाख के लिए, वर्ल्ड के लिए। थैंक यू। थैंक यू रूमी। ये तो आपने जाना कि लेट्सअप क्या है, क्यों है, किस लिए कर रहे हैं, और कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग हैं इसके पीछे। एक इंसान है जो यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, वो फ़िलहाल अहमदनगर में है, उनका नाम है नरेंद्र फिरोडिया, पर वो भी एक की मेंबर हैं, वो भी इस जर्नी के एक मार्गदर्शक हैं। काफ़ी उनको पसंद है इंडियन मूवीज़ और इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाना, इंडियन थिएटर को आगे बढ़ाना, तो वो भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, फ़िलहाल नहीं है हमारे साथ। पर अब मैं जानना चाहूँगी, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, प्रेस से हैं, मीडिया से हैं, काफ़ी फिल्म मेकर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं,
हमारे पास काफ़ी सरपंच बॉर्डर एरिया से सरपंच आए हैं. आप लोग जो लद्दाख को देखते हैं, जो लद्दाख में रहते हैं, जो लद्दाख की कल्चर को समझते हैं, रहते हैं, हर दिन उसको कहते हैं ना कि ईट ब्रीद एंड ड्रिंक करते हैं, आप लोगों के मन में इस टाइम पे क्या सवाल उठ रहे हैं, आप लोग क्या जानना चाहेंगे कि लेट्स अप जो अभी तक आपने समझा, क्या आपके मन में कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं, कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो आप इस टीम से पूछना चाहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं? माइक लेके जाएंगे पीछे प्लीज. आप प्लीज माइक उधर लेके जाइए. थैंक यू सर. अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं और क्या आपका क्वेश्चन है? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. माय नेम इज मोटुप. आई एम वर्किंग इन अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्लस आई एम प्लेइंग अ स्मॉल यू नो लीड रोल इन वन ऑफ द सैटायरिकल एपिसोड. इट्स अ वेब सीरीज. सो माय क्वेश्चन इज, आई लाइक द आइडिया ऑफ प्रमोटिंग होदी लैंग्वेज बिकॉज यू नो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्राइड when you talk about Ladakh, right? But I'm afraid how you are going to connect. See, we would like to be, you know, we would like to be localized at the same time, not become, you know, flat, so that, you know, you have all the information, you know, about Ladakh to the rest of the world. We are also happy being local-centric also. So my concern is, because you are promoting whatever information comes on your app, no, through the Bodhi language, within Ladakh, no, it's very powerful, right? You will be very happy and proud to share information and, you know, get the kind of content you want. But to the rest of the world, you know, how do you connect, we being, you know, speaking Ladakhi? It's just a question. Why English, sir? Hello? With English language, sir. So, Bodhi plus English. Okay, so you have the option. You have the option. Okay. All languages. In fact, we'd love to take certain Ladakhi content and maybe dub it or with subtitles, put it in other languages. Maybe Gujarati people would love to know this. So, content today is truly language agnostic, sir. Yes. We have all seen Narcos with subtitles. Yeah. We have seen Money Heist. It's a Spanish show. But the whole world is watching, right? So tomorrow, there is no reason that any Ladakhi show can be shown in the whole world in English subtitle, mein, yeah. Hindi, mein, Marathi, mein, Gujarati, mein, whatever language. And also, no, if I could add up, the information you collect from the rest of Ladakh, I think whatever information you put up in the app, no, has to be rest of Ladakh. Not any crap, you know, you put on the app, you know, it gets promoted. And you know, it goes in the wrong direction. That will be my impact. We'll of course have filters, sir. Thank you for asking that question. Thank you. और किसी का कोई और सवाल है जो मन में उठ रहा है, जो आप पूछना चाहेंगे, जिसका आंसर जानना चाहेंगे? कैन वी गेट द माइक हियर प्लीज ऑन द फर्स्ट चेयर. जब बाहर से कुछ लोग आके ये लद्दाख के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों को मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं. इसके लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपके एप्स पे डालना होगा, उसको अच्छी तरह से स्क्रीनिंग करना होगा, क्योंकि कई बार पहले भी कुछ न्यूज़पेपर्स ने लद्दाख के बारे में लिखा था, फिर यहाँ का ये बहुत सारे चीज़ों के बारे में सेंसिटिव लेना नहीं पड़ता है. सर, बाहर से कोई नहीं लिखेगा सर, आप ही लोग लिखेंगे. हमारा सिर्फ प्लेटफॉर्म है जिस पर हम करेंगे. हम तो बाहर नहीं जा सकते, हमारे लोकल लोग ही लिखेंगे उसको. हम प्लेटफॉर्म सर, मैं समझ गया, हमारे लोग भी अगर आपके पास कोई टीम होगा वो लिखेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, नहीं तो कुछ भी लिख देता फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती. सर, ये बात आपकी बहुत सही है, बिकॉज मीडिया जो है ना, एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है. और आपने बहुत सही बात बोली है, जैसे राहुल जी ने बोला कि हम यहाँ के लोग ही लिखेंगे और यहाँ के लोग ही उसको क्यूरेट भी करेंगे. और एक और चीज है सर, कि यहाँ के जो लोग लिखेंगे उसके बाद देयर इज अ क्यूरेशन फिल्टर दैट विल कम थ्रू. और लेट्स अप का एक सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि हम मसाला में नहीं मानते हैं, हम कंटेंट को कंटेंट ही रहने देते हैं. एक हमारा एक एथिक है, उसको हम कहते हैं व्हाट सो व्हाट एंड नाउ व्हाट. जैसे न्यूज हुआ तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, सो व्हाट उससे क्या फर्क पड़ता है, एंड नाउ व्हाट उसके बाद क्या होने वाला है. तो हम अपना मिर्च मसाला डाल के न्यूज को प्रेजेंट नहीं करते हैं. तो आप अभी भी आप लेट्स अप खोल के कोई भी आर्टिकल देख लीजिए, चार या पांच लाइनों का एक डिस्क्रिप्शन होगा और उसमें जो हुआ है न्यूज में वो ही बताएंगे और जैसा है वैसे ही बताएंगे. तो उसमें हम अपने विशेष टिप्पणी, अपना नजरिया हम पैकेज नहीं करते हैं, क्योंकि मसाला बनाना हमारा उद्देश्य है ही नहीं.
हमें पॉजिटिव स्टोरीज चाहिए. हमें एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम अभी लॉन्च कर रहे हैं जिसको हम चेंज प्रूनर्स कहते हैं. तो चेंज मेकर्स जो होते हैं और एक एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, उन छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे रीजन से ये जो हैं जिन्होंने सीरियसली कुछ बड़ा किया है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने गाँव के लिए, उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं. और ऐसी छोटी छोटी वीडियोज भी हम करना चाहते हैं. तो पॉजिटिव स्टोरीज, पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव न्यूज एंड पॉजिटिव इंस्पिरेशनल कॉन्टेंट, ये हमारा उद्देश्य है. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. Your name, sir, and then please ask your question. Yes, sir. I just want to ask because what the concern is, what we actually want to say is the filtration of the news. Suppose recently, like couple of years back, Punjabi people came and they took Thar in Pangong Lake. For them, it's a big achievement. Like we took Thar in the Pangong Lake, and the car got stuck. For us, it's a bad thing, but for them, it's a pride. Like we took this thing, we did this thing. Last time in Bhutan, couple of people, like Indian people obviously, they went on the Chhoten, like the religious villages which we have in Ladakh. And because of that, Bhutan closed down all the touristic places, especially because India was, we want to get a visa for Bhutan. After that, they started visa for us. So these kind of problems which are going to come on the your app, would want to create a bad impact on the Ladakh region. So the filtration of the data, which is right or wrong, which is very important because there are a couple of things which are very sensitive. Suppose if we talk about like in Maharashtra something, cow or anything happens, it becomes very sensitive and you can say issue. So that thing should not come on the app. That is the main concern about us. Because recently you might have heard about China attack. If you put something like that, our tourist business, which is only for 6 months, it goes in vain. Only one wrong news can spoil whole season. We have only 6 month season. In that 6 month season, if that kind of a news comes up, we are blown up. So these kind of things are very important. The filtration of the data which you are getting, it should be correct. So thank you for the suggestion. In fact, since we are here and we have been posting on social media, we have got a lot of messages from people asking, oh, is it safe to be there? I said, we are absolutely safe. So we are about promoting Ladakh, and we get what you are saying, get what he is also saying. That's why I am saying we are not going to get outsiders to create content for Ladakh. It's local people who will create content for Ladakh. And local senior editors who will sort of... Suppose if I am a Ladakhi, the same with someone who is going to come from outside, if he has that app, and if you put something like that... No, but you just can't put it without going through the filter. It's not that just user-generated content without any filtration. Yes, it has to come to an edit, yeah. So it's not that it's open for anybody and everybody. I can add up, my name is Shahid. So from my name, you cannot make it out, I'm from Ladakh. When I go to... But as I said, Shahid, the key point here is, it's not that it's not fully user-generated content. Yeah. It's a team which we hire. So that's what we are saying. They will create. एंड आई थिंक आज की कॉन्वर्सेशन का और आज इस मीटिंग का शायद से एक पॉइंट ये भी था कि आपसे समझें कि क्या कंसर्न्स हैं, क्या आपके क्वेश्चंस हैं. एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप शाहिद. आई थिंक द टीम हैज मेड नोट ऑफ दैट. वी रिस्पेक्ट दैट. We respect that. Bilkul. We are proud of that. You have to be. And it's worth it. Yes, sir. Sir, aapka naam aur aapka question. Yeah, my name is Chetanam Chug and I'm the president of All Ladakh Tour Operator Association. First of all, I must congratulate your team for launching this lovely app. I'm sure it will go a long way. सो माई क्वेश्चन इज ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रैवल फ्रेटर्निटी कि अभी तक जितना भी यहाँ लद्दाख में सिंस 1974 टूरिज्म यहाँ स्टार्ट हुआ है तब तक अभी तक अपने जितने भी विद इन आर कैपेसिटी वी डिड आर प्रमोशंस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी विद इन इंडिया और अब्रॉड तो जो भी टूरिज्म यहाँ आज एस्टेब्लिश आप देख रहे हैं विच इज वन एंड ऑल इंडस्ट्री हियर तो सब लोकल लोगों के मेहनत से हुआ है
तो हम चाहेंगे कि आगे भी जो है होता क्या है आजकल देखिए आप इससे ओपन मार्केट आई वुड से द बिजनेस आज के डेट में ओपन मार्केट है तो यहाँ ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह बहुत यहाँ इंटरफेयर यहाँ ऑलरेडी हो चुका है इससे हमारे बिजनेसेस ऑलरेडी सफर हो रहे हैं जो यहाँ लोकल्स लोग ग्रास रूट से मेहनत करके अपना चाहिए यू कैन सी ए लवली होटल वेयर वी आर सिटिंग अपने मेहनत से बनाए जो भी ट्रांसपोर्टर अपने गाड़ी मेहनत से लाया है और जो भी टूर ऑपरेटर अपने मेहनत से एस्टेब्लिश टूर कंपनी बनाया है तो आजकल जो है ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह आके तो हमारे बिजनेसेस में आई मीन काफ़ी इंटरेस्ट आई वुड से इंटरफेरेंस और जो भी हमारे रेट्स का इश्यूज है तो मेरा इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से दैट कि आपका जैसे ये व्हाट्सअप लॉन्च हो रहा है तो आई डोंट नो कि इसमें ट्रैवल अब ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे सो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इसमें आप जो है लोकल बिजनेस खासकर ट्रैवल को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे और करेंगे भी तो हमसे ट्रैवल या स्टेक होल्डर जितना भी है बीट होटल एसोसिएशन या टूर ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्योंकि हम छोटे से जगह पर सब एक यूनिटी की तरह रहते हैं सो आप जो भी करेंगे खासकर ट्रैवल लाइन में सो यू आर मोस्ट वेलकम टू हाईलाइट इवेंट्स फेस्टिवल्स या जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रैवल्स बट देन रेट्स को लेके या जो भी है दिस आर समथिंग इंटरनल दिस थिंग सो जो भी हम करेंगे तो हमें एटलीस्ट हमारे नॉलेज में ये चीज़ होना चाहिए थैंक यू अंडरस्टूड थैंक यू सर गुड टाइम एनीबडी एल्स वी हैव अ क्वेश्चन हियर एट द फर्स्ट टेबल फ्रॉम द वुमन हियर माइक यस YouTube again is a video platform. Owned by a big player. The challenge with all these big platforms is for a small person who creates content, you tend to get lost unless it's really kick-ass content, right? And today anybody can create content sitting anywhere in the world. Like our kids there from Tuktuk are creating content. So we are a local focused and we are in the vernacular language. That is the key differentiator that we have. There is no hard and fast rule that this has to be the minimum time or the maximum time. But you also understand today people don't have long attention spans, right? So the global logic is that it should be crisp. And if you can hold attention, then people will watch a 4-hour film also. But in most cases, content is getting shorter, right? We have an OTT platform called Netflix, which is also in regional languages. Okay. But for the moment, we'll be putting all those videos on Let's Up Ladakh. What we will do for you is two things. One is we will give you our expertise or our help or suggestions in terms of the tech for the content. And if we find certain content which can be repurposed for other markets, we will help you. The third most important is help you monetize it, how to make money from it. These are the three areas where we'll help you. I hope that was answered. Thank you. Sir, आपका शायद से question था. आप पूछना चाहेंगे अपना question? आपका नाम बताइए सर और आपका question. मैं रहमत उल्लाह है तुर्तुक से आया हूँ और मैं पंच हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक एप्स बनाया है लद्दाख के कल्चर को आप आगे इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने के लिए हमें बत्ती कौन से बिलोंग करता हूँ इसमें हमारे कुछ एक्टर्स आपने बच्चों के शिक्षा में लिया है तो हम तुर्क वाले आपका शुक्रगुजार हूँ लेकिन इस चीज़ को हमारे उन जैसे एरियो में जहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन का भी बिल्कुल दिक्कत है तो इस तरह के एप्स का भी हमें इस्तेमाल करने के लिए काफी मुश्किल होते हैं तो आप इसी तरह के लद्दाख के अंदर और भी बहुत से कल्चर्स हैं तो इनको ये फायदा पहुंचाने का आप किस तरीके का आप
काम करने वाले हैं आज तक, ये मेरा सवाल। तो तुर्तुक इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, सो आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आपके बच्चों को तो मैंने काफी बार देखा है छोटी छोटी वीडियोस में। आपका सवाल, इफ आई अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, और मैं आपको वापस रिपीट कर रही हूँ कि आप जैसे तुर्तुक के बच्चों का जैसे प्रमोशन बोल रहे हैं, वैसे ये जो रिमोट विलेजेस है उनके जो कल्चर की छोटी छोटी कहानी है उसको हम कैसे रिलेट करेंगे। सो सर, जैसे राहुल जी ने बताया कि कंटेंट अभी लैंग्वेज एग्नोस्टिक हो गया है, राइट? अभी कंटेंट की बाउंड्रीज भी चली गई है, क्योंकि जिसके पास ये हथियार है ना वो कहीं भी कंटेंट भेज सकता है। तो तुर्तुक की कहानियां ये हथियार के थ्रू अब आज अभी श्वेता ने मुझे भेजी, मैंने अमेरिका भेजी, तो अमेरिका में तुर्तुक के बच्चों की वीडियो आज फैल रही है ना। तो यही एग्जैक्टली यही हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे हैं विलेज के, जो भी हमारा वहाँ के यू नो अच्छी अच्छी सांस्कृतिक चीजें हो रही है, कि उनकी जो टैलेंट है वो इस माध्यम के थ्रू एक से लेके पूरी दुनिया तक फैले। और जैसे राहुल जी ने बोला कि ऐसा हमारे पास वो भी टेक्नोलॉजी है कि नीचे हम सबटाइटल्स लगा सकते हैं। यहाँ पे और भी किसी के अगर मन में और भी कुछ सवाल उठ रहे हैं तो प्लीज़ अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। लास्ट टेबल पे गए। यस सर जी। मैम, मैं एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। एक पॉजिटिव है कि मुझे तो खुशी हो रही है कि इस ऐप को देख के, क्योंकि इसमें अलग से एक लद्दाखी का एक अलग से एक वो होगा। तो जैसे कि यहाँ पर फिल्म मेकर्स हैं काफ़ी, हम लोग कई साल से बना रहे हैं, लगभग हमारा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है आज। मगर मैं खुशी इस बात की हुई, अभी तुर्तुक के बच्चे जो जिन्होंने फिल्म बनाया है, जो एक्टिंग करते हैं, हम लद्दाख के में बैठने वाले हैं, मुझे नहीं पता था। तो इस ऐप के द्वारा अगर मुझे नहीं पता था, इस ऐप के द्वारा अगर मुझे पता लगेगा, इससे ज्यादा खुशी की बात हो क्या सकती है। सर, बड़ी कॉम्पिटिशन है। मैं पॉजिटिव, मैंने इस चीज में देखा, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कह रहा हूँ, बाकी हर किसी का अपना एक वो होगा। तो ये मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और देखिए, हम ही कुछ जहाँ हमारे लीजेंड्स बैठे हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है कलर आलम है, राइटर है वहाँ का मामूस है, हम ही कुछ लोगों को जानते हैं यहाँ पे। लोग नए नए बच्चे इतने अच्छे हैं यहाँ पर, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, उन्हें भी अगर एक प्लेटफॉर्म मिले तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माध्यम है ये एंटरटेनमेंट के लिहाज से। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ लेट्स ऑफ लद्दाख, कि लद्दाख में बैठे हुए आपको ये नहीं पता कि पड़ोस के गांव में या पड़ोस की गली में कोई बहुत अच्छा फेनोमिनल टैलेंट है। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी। थैंक यू। यस, इस बात पे ताली तो बजती है। सो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपने एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है, उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ जानी मानी लद्दाखी और बौद्धी लैंग्वेज में कौन कौन की रहेगी। अभी भी अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस है बिफोर हम अलविदा कहें एक दूसरे से, डिनर करें और डिनर पे हम एक दूसरे से फिर से वार्तालाप करें, उससे पहले अगर और भी कुछ सवाल उठ रहे हैं इसके बाद तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अलविदा कैसे कहते हैं लद्दाखी में, पर उससे पहले कुछ अगर सवाल है किसी के भी मन में तो आप प्लीज़ पूछिए। आखिर मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए व्हाट्सएप ऐप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यकीनन है, तो कंटेंट क्रिएट करने के बाद क्या उनको जो कंटेंट बना के आपको बेचना पड़ेगा या वो खुद ऑन कर रहे हैं? और इसी के साथ एक गुड नाइट भी, शब्बा खैर, गुड नाइट, सत श्री अकाल, जो भी आप अपने अपने साथ इस इवेंट से, इस वार्तालाप से अपने साथ एक अच्छी मेमोरी लेके जाइए। आगे हम यहीं से टीम भी ढूंढेंगे, यहीं से आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे और आपकी ही लैंग्वेज को, आपके कल्चर को, आपके सिनेमा को बाहर दुनिया तक लेके जाएंगे लेट्स अप के साथ। एंड नाउ इट्स टाइम हम एक अच्छे से डिनर के ऊपर एक दूसरे से मिले, बात करें। शुक्रिया। एंड आपसे मिलते रहेंगे, हमारी टीम भी यहाँ पे आती रहेगी, आप लोगों की ही हेल्प लेती रहेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, and thank you so much. We can now all proceed for dinner.